रायबरेली महिला सुरक्षा को लेकर सरकार अनेकों अभियान चला रही है, उसके बाद भी महिलाएं न्याय न मिलने की वजह से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ऐसे अनेकों मामले मिल जाएंगे। ताजा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के किला चौकी का है। यहाँ पर आज एक पीड़िता पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। उसका कहना है कि दहेज के लिए उसके पति, उसके जेठ और उसकी ननद के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर पुलिस में शिकायत की तो तलाक दे दिया जाएगा। हम रहते हैं बड़े खताने, हमारी शादी हुई है। नाम क्या आपका? मेरा नाम जेबा खान है। थाना कौन सा है आपका? थाना किला चौकी लगता है। क्या मामला है? हमारे ससुराल वाले हमको बहुत प्रताड़ित करते हैं। इनके मामा इसरार ने हमको मारा पीटा, मेरे कपड़े फाड़ दिए। इनके जेठ, हमारे जेठ ने मोइन उद्दीन उर्फ कल्लू ने मेरे कपड़े फाड़े, मुझको मारा पीटा, घर से निकाला। उसके बाद मैं जो मेरी नंदे आती, मुझे धमकाती हैं, वो मारती पीटती हैं, कहता शाबा तुमको तलाक दे देगा, तुझको रखेगा नहीं, और तुम पुलिस थाने में चली गई तुम कोतवाली में, तो तुमको शाबा नहीं रखेगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।